नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। दोस्तों, बॉलीवुड सिनेमा के इतिहास में हमने इंडियन आर्मी के अराउंड काफ़ी सारी बड़ी फिल्में देखी हैं जिनका मेन प्लॉट एक फौजी के लाइफ के ऊपर या किसी वार के ऊपर बेस होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग इंडियन आर्मी के ऊपर बेस्ड फिल्मों के बारे में जिनके अंदर हमें बड़ी बड़ी आर्मी बैटल देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपको भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड मूवी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो लिस्ट में पहले नंबर पर आती है लाहौर 1947। लाहौर 1947 इंडियन सोल्जर के ऊपर बेस्ड काफी बड़ी वार एक्शन मूवी होने वाली है जिसके अंदर बॉलीवुड के दो बड़े कलाकार आमिर खान और सनी देओल एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने और प्रोड्यूस करने वाले हैं आमिर खान। बता दें कि इस फिल्म का मेन प्लॉट साल 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे के अराउंड होने वाला है। अपडेट के अनुसार यह फिल्म 25 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। लिस्ट में अगली फिल्म है स्काई फोर्स। स्काई फोर्स एक सच्ची घटना पे बेस एक एक्शन मूवी होने वाली है जहां मूवी की स्टोरी साल 1965 में हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक एयर स्ट्राइक के ऊपर बेस होने वाली है। फिल्म में हमें अक्षय कुमार एक एयरफोर्स पायलट का किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि यह फिल्म पहले 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब यह फिल्म 23 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। वहीं दोस्तों, लिस्ट में अगली फिल्म है द बुल। सलमान खान की मच अवेटेड मूवी द बुल, जिसको साउथ के डायरेक्टर विष्णु वर्धन डायरेक्ट करने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले विष्णु वर्धन ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह को भी डायरेक्ट किया था। बेसिकली इंडियन आर्मी के ऊपर बेस्ड काफी बड़ी वार एक्शन फिल्म थी। अब विष्णु वर्धन सलमान खान के साथ द बुल मूवी करने वाले हैं जिसके अंदर सलमान खान एक पैरामिलिट्री ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले काफी बड़े स्केल के साथ बनाया जाएगा जिसकी बेसिक स्टोरी आर्मी के एक बड़े ऑपरेशन के ऊपर बेस होने वाली है। बता दें कि सलमान खान की फिल्म द मूवी का अभी प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। दूसरी तरफ सलमान खान ने उनकी अपकमिंग फिल्म सिकंदर का शूटिंग शुरू कर दिया है तो ईद 2025 के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो अब सिकंदर के रिलीज के बाद ही हमें द बुल मूवी देखने को मिलने वाली है। इस लिस्ट में अगली फिल्म है बॉर्डर 2। गदर 2 के सक्सेस के बाद सनी देओल की उनकी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट भी कर दिया था। बता दें कि यह साल 1997 की मूवी बॉर्डर, जो कि इंडियन आर्मी के ऊपर बेस्ड सबसे बेहतरीन फिल्म है, उस मूवी का सीक्वल है जो बेसिकली इंडियन आर्मी के ऊपर बेस होने वाली है। बात करते हैं मूवी के रिलीज की तो यह फिल्म 23 जनवरी 2026 के मौके पर रिलीज की जाएगी। लिस्ट में अगली फिल्म है बागी 4। बागी 4 टाइगर श्रॉफ की बड़ी सीरीज बागी का चौथा इंस्टॉलमेंट होने वाला है जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ वन मैन आर्मी के रोल में नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है अहमद खान ने और प्रोड्यूस करने वाले हैं साजिद नाडियाडवाला। बता दें कि इस फिल्म को बड़े स्केल और बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा और यह एक फुल ऑन एक्शन फिल्म होने वाली है जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने वाली है और यह फिल्म 2025 के एंड तक हमें सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है। लिस्ट में अगली फिल्म है सोल्जर। साल 1998 में बॉबी देओल की मच अवेटेड फिल्म सोल्जर आई थी जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म के साथ ही प्रीति जिंटा ने अपने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया था। अब इसका सीक्वल कंफर्म हो चुका है जिसके अंदर बॉबी देओल और प्रीति जिंटा एक बार फिर से लीड रोल में नजर आने वाले हैं। बता दें कि यह फिल्म एक रिटायर्ड सोल्जर के अराउंड होने वाली है जिसकी शूटिंग अगले साल स्टार्ट होगी जिसके अंदर बॉबी देओल एक खतरनाक आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं रमेश तुरानी और यह फिल्म भी 2026 के मौके पर रिलीज होने वाली है। लिस्ट में अगली फिल्म है फौजी। रिसेंटली प्रभास की एक अपकमिंग फिल्म फौजी काफी ज्यादा चर्चा में है। बेसिकली प्रभास की आने वाली एक पीरियोडिक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। अपडेट के अकॉर्डिंग मूवी के अंदर प्रभास एक ब्रिटिश सोल्जर के किरदार में नजर आएंगे जिसको डायरेक्ट किया है हनु राघवा ने, जिन्होंने सीतारमन जैसी कमाल की फिल्म बनाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी के अंदर हमें मृणाल ठाकुर और इमरान हाशमीन नजर आने वाले हैं जिसको मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बड़े स्केल पर और बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा। सो प्रभास की फिल्म फौजी बेसिकली 1940 के आसपास की स्टोरी को प्रेजेंट करने वाली है जिसकी स्टोरी ब्रिटिश आर्मी के ऊपर बेस होने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2024 में शुरू होगी और यह फिल्म हमें 2026 की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। लिस्ट में अगली फिल्म है कमांडो 4। कमांडो 4 बॉलीवुड की एक सोल्जर पे बेस फिल्म कमांडो का फोर्थ इंस्टॉलमेंट होने वाला है जिसके अंदर विद्युत जम्बाल एवं अदा शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म के अंदर बेसिकली एक्शन के साथ कॉमेडी भी है और फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। बता दें कि फिल्म को 2025 एंड या 2026 के फर्स्ट में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्मी पे बेस कुछ बड़ी फिल्में जिनका फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें से आप किस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्मी मार्ट के साथ।